तो चलिए प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं है आपके साथ उर्मी जी। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न, 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से क्या शरीर पर छिड़का जाता है? Which of these is usually sprayed on the body? A. Phenyl. B. Oil paint. C. Turpentine. D. Perfume. Phenyl, oil paint, tarpin, या परफ्यूम? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, परफ्यूम। डी पे थाला लगाया जाए। सही जवाब हो गया आपका, 1000 रुपए जीत गए। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए उर्मी जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मिक्सर शब्द में कौन सा शब्द जोड़ने से एक ऐसे उपकरण का नाम आता है जिससे चटनी और अन्य खाने के सामान ये तैयार किए जाते हैं? एडिंग विच वर्ड टू मिक्सर गिव्स अ डिवाइस यूज्ड टू प्रिपेयर चटनी अमंग अदर फूड आइटम्स। ऑप्शंस हैं ए बाइंडर, बी ग्राइंडर, सी माइंडर, डी फाइंडर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी ग्राइंडर। बी ग्राइंडर पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब दिया आपने, 2000 रुपए जीत गए। चलिए उर्मी जी आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हरे पौधों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? What is the process by which green plants transform light energy into chemical energy called? ऑप्शन सुनिए, ए फोटोसिंथेसिस, बी वीडियो सिंथेसिस, सी सेल्फी सिंथेसिस, या डी रियल सिंथेसिस। जी सर, सेल्फी सिंथेसिस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता इसका। प्लीज लॉक ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चौथा प्रश्न आ गया उर्मी जी, 5000 रुपए चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उर्मी जी ये एक इमेज प्रश्न है। इनमें से कौन सा पक्षी शिकार नहीं करता है? Which of these is not a bird of prey? और जो ऑप्शंस है ये चित्र के रूप में आएंगे, और यहां पर जो चित्र है देखा जाए। जी सर। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी और इमेज ऑप्शन डी। सर प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन बी। इमेज ऑप्शन बी। जी, बी पे थाला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। बिल्कुल, ये भी बता दीजिए कि कौन सा पक्षी है। सर ये मेरे ख्याल में पैरट का एक। जी, बिल्कुल सही कहा, तोता है ये। जी, शिकारी पक्षी चील, बाज और उल्लू जैसे पक्षियों का एक वर्ग है जो भोजन के लिए शिकार करते हैं। तोता उनमें से एक नहीं है। जी सर। अच्छा, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ अभी ये सुन करके कि उल्लू जो है ना वो भी शिकारी है। जी सर। और देखने में या उसके बारे में आमतौर पर सोचते हैं कि अरे यार ये तो उल्लू है, ये क्या करेगा शिकार। लेकिन भाई साहब हमको अभी इसकी जानकारी मिली। बहुत से ऐसे उल्लू हैं बड़े बड़े जंगलों में जिनका आकार जो है वो बहुत बड़ा होता है। जी सर। और हमको बताया गया था ये जानवर का शिकार भी करते हैं। अच्छा। हाँ, आमतौर पर हम तो सोचते हैं कि छोटा सा है, इधर उधर देखता रहता है रात को, लेकिन ऐसा नहीं है। और बाज का भी ये शिकार करता है। अच्छा। यानी बाज स्वयं एक शिकारी है। जी सर। उसका शिकार करता है ये उल्लू। शिकारी का शिकार, गलत नाम दिया इसको उल्लू। बहुत होशियार है ये। ओके, पहला पड़ाव आ गया है उर्मी जी। पांचवा प्रश्न, 10000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से वो कौन सी सतह है जिस पर आप कोई भी टेनिस ग्रैंड स्लैम नहीं खेला जाता है? Which of these is not a surface on which any of the tennis grand slams is currently played? ऑप्शन सुनिए, ए ग्रास, बी क्ले, सी कार्पेट, या डी हार्ड कोर्ट। सुना होगा आपने, स्पोर्ट्स वगैरह टेनिस वगैरह देखा होगा। सर थोड़ा बहुत देखा है पर ज्यादा फॉलो नहीं करती हूँ मैं,
मुझे लगता है कि कारपेट हो सकता है इसका। राइट सर, प्लीज लॉक ऑप्शन सी कारपेट। ऑप्शन सी कारपेट पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। सही उत्तर दिया है आपने। वेल प्लेड। पहला पड़ाव पार हो गया उर्मी जी। जी सर। ग्रास जो है वो विम्बलडन पे खेलते हैं। जी सर। विम्बलडन जो है ग्रास कोर्ट होता है उसका। क्ले जो है वो फ्रेंच सॉइल, रेड सॉइल होता है फ्रेंच टूर्नामेंट। कारपेट पे कोई टेनिस नहीं खेला जाता। जी सर। ओढ़ा जाता है, जब बिछाया जाता है, खेला नहीं जाता उसके ऊपर। ऑलराइट, ग्रास वाला मुझे आप ही की बदौलत याद था। क्यों? क्योंकि मैं इतना टेनिस नहीं देखती, लेकिन आपने अभी कुछ दिन पहले ही शो पे बताया था कि आपके जो फेवरेट हैं नोवाक जोकोविच, जी हाँ जी हाँ, वो विम्बलडन में रिचुअल एक करते हैं। जब भी वो जीतते हैं जी, वो थोड़ी सी घास उठा लेते हैं वहां से, खा लेते हैं जी, शगुन समझते हैं उसको वो। जी सर। और हमारे वो पसंदीदा खिलाड़ी हैं। और सर आप हमारे पसंदीदा है, इसलिए हम आपकी बातों को याद रखते हैं सर। ये देख करके बात आप ले आते हैं।